दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे सुधीर ऑनलाइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएससी ने जारी कर दिया है एग्जामिनेशन कैलेंडर 2023 के लिए, जो कि जितने भी कैंडिडेट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों, क्योंकि इस बार एसएससी ने लगभग 50,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में नोटिस के माध्यम से मैं सारा डिटेल बताऊंगा कि आपका इसका जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर जो कि किस प्रकार रखा गया है, सारा मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। तो चलिए इसको वीडियो को मैं शुरू करता हूं। देखिए, इस नोटिस को जानने के लिए आपको डायरेक्टली एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाने, जिसका मैं लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आ जाने के बाद देखेंगे, अगर आप मोबाइल से चेक करें तो मोबाइल को आप ऊपर में जो देखेंगे यहाँ थ्री डॉट का, जो कि राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर जाकर आपको मोबाइल को डेस्कटॉप साइड में कर लेनी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ आपको लेटेस्ट न्यूज में आपका ही यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए यहाँ टेंटिव एनुअल कैलेंडर एग्जामिनेशन फोर ईयर सेशन 23 से 24 के लिए। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है सीखे नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। देखिए आपका कुछ इस प्रकार नोटिस डाउनलोड होकर आएगा, जो कि यहाँ देखिए फर्स्ट में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आपको यहाँ दिया हुआ है, जो कि सेशन 23 से 24 का है। तो इसमें देखिए सभी एग्जामिनेशन जो जितने भी 2023 में एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे वो सारा यहाँ दिया हुआ, जो कि कुल मिलाकर यहाँ देखिए यानी कि 19 सुगत में सारा डिटेल को पारापारी में यहाँ बताता हूँ। देखिए फर्स्ट में है यानी कि कॉन्स्टेबल जीडी, जो कि इसका ऑनलाइन ये जो कि फॉर्म अप्लाई हुआ है और इसका जो कि एडमिट कार्ड भी आ चुका है दोस्तों। इसमें कुछ स्टेट का जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश यानी कि सेंट्रल रीजन में आते हैं, इसका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया। इसका एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा वीडियो के रूप में। देखिए इसका जो कि ऑनलाइन इसका हुआ था वो हुआ था 27 अक्टूबर 2022 को, इसका लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 तक था। और इसका एग्जाम जो कि रखा गया है दोस्तों यानी कि जनवरी से फरवरी 2023 में इसका एग्जाम भी होगा, जो आपको लगभग 10 जनवरी से इसका स्टार्ट है। उसके बाद सेकंड में आता है SSC CHSL यानी कि 10+2 लेवल का, तो इसका भी जो कि फॉर्म हुआ था 6 दिसंबर से ऑनलाइन स्टार्ट है। इसका लास्ट डेट जो है कि दोस्तों 5 जनवरी 2023 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म का लास्ट डेट है। अगर आपने SSC CHSL का फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो इसका मैं लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख के आप मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका देखिए एग्जामिनेशन जो कि मार्च में इसका एग्जाम होगा। उसके बाद थर्ड में आता है मल्टी नेशनल टास्किंग जो कि SSC MTS, इसका जो है चूंकि 2023 का इनकी जारी होगा वो 17 जनवरी 2023 में इसका ऑनलाइन स्टार्ट शुरू होगा दोस्तों, और इसका लास्ट डेट 17 फरवरी 2023 तक इसका लास्ट डेट यानी कि ऑनलाइन का रखा गया। इसका एग्जाम जो है से वो अप्रैल 2023 में होगा दोस्तों। जो भी विद्यार्थी SSC CHSL 2022 का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी करें, क्योंकि इसका लास्ट डेट 4 जनवरी 2023 तक ही है। इसका मैं लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देखकर आप मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ सिलेक्शन SSC सिलेक्शन फेस यानी कि एग्जामिनेशन 9th जो आता है, इसका स्टार्टिंग डेट जो है की 24 फरवरी से होगा और इसका लास्ट डेट 23 मार्च को होगा। इसका एग्जाम जो होगा वो मई और जून 2023 में होगी दोस्तों। उस प्रकार देखेंगे फाइव में मैंने बताया कंबाइंड ग्रेजुएट यानी कि SSC CGL का जो 2022 का एग्जाम हो चुका है और 2023 के लिए भी जारी किया गया है यानी कि टायर वन का, तो इसका जो है कि ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो अप्रैल में होगा और लास्ट डेट इसका 1 मई तक रखा गया। इसका एग्जाम भी जून जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। उस प्रकार नीचे आएंगे यहाँ कंबाइंड, यहाँ देखिए SS6 नंबर में SSC CHSL का फिर से यानी कि 2023 में जो जारी किया जाएगा, इसका जो है कि ऑनलाइन मई में होगा जो कि 9 मई से होगा और इसका लास्ट डेट 8 जून तक रखा गया, और इसका एग्जाम जो है जून से अगस्त में 2023 में इसका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद MTS नॉन टास्किंग फिर से देखिए 2023 में भी MTS का आएगा, इसका जो है सीखे ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट 14 जून से होगा, लास्ट डेट 14 जुलाई तक, और इसका अगस्त से सितंबर तक के आपको एग्जाम इसका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आता है सब इंस्पेक्टर जो SSC दिल्ली पुलिस में आता है, इसमें देखेंगे इसका ऑनलाइन स्टार्ट डेट 20 जून से होगा जुलाई से, और लास्ट डेट इसका 13 अगस्त रखा गया, इसका एग्जाम जो है से
अक्टूबर 2023 में होगी। उसके बाद आता है नॉन अमेरिकन जूनियर इंजीनियर सिविल का एसएससी के अंतर्गत ही आता है, तो इसका जो है 26 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट होगा और 16 अगस्त तक 2023 तक इसका लास्ट डेट है। इसका एग्जाम जो रखा गया वो अक्टूबर 2023 में इसका भी एग्जाम रखा गया। उसी प्रकार आता है स्टेनोग्राफर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी का जो आता है, इसका स्टार्टिंग डेट जो है से कि अगस्त 2 अगस्त 2023 से और इसका लास्ट डेट रखा गया है 23 अगस्त 2023 तक। इसका एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका एग्जाम भी रखा जाएगा। उसके बाद 11 नंबर में आता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड जूनियर ट्रांसलेटर सीनियर का, तो इसका जो है कि ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो अगस्त 2022 में होगा। इसका लास्ट डेट 12 सितंबर 2023 में होगा। इसका एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर से नवंबर के बीच इसका भी एग्जाम होगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ 12 नंबर में आता है सेंट्रल सेक्रेटरियल पेपर 1 असिस्टेंट ग्रेड सीबी, इसका जो है से ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट होगा वो 1 सितंबर 2023 में और लास्ट डेट इसका रखा गया 22 सितंबर 2023 तक। और इसका जो है से इसका एग्जाम भी होगा दिसंबर से जनवरी 2023 से 24 के बीच में। तो उसी प्रकार यहाँ जितने भी पोस्ट हैं जो कि 2023 से 24 के बीच में एसएससी ने जारी करेगा वो सारा यहाँ दिया हुआ, जो आपने बारीकी से यहाँ चेक कर लेनी है। तो ये था इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको सबसे पहले दिया हूँ। तो दोस्तों एसएससी की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी या नोटिस आएगी उसको उस नोटिस को मैं वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको दूंगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन जो मैं सबसे पहले आपको दिया हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मैं नए नए किसी जॉब से रिलेटेड या स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक मिले। तो अब यही था इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो मैं दे दिया हूँ। एक बात और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो बनाने में मुझसे जो भी कमियाँ होती है वो कमियाँ को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों, जिससे कि मैं अपने वीडियो में सुधार ला सकता हूँ। तो चलिए मिल लेते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।